नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एसटीजी न्यूज के चैनल में। इस वक्त की बड़ी खबर बिहार से आ रही है, बिहार के सासाराम में। जैसा कि सासाराम में कोरोना का डर नहीं है, लोग जैसा आप इमेज में देख सकते हैं, सासाराम में रोजा की दवा की दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो नहीं हो रहा। जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं, सासाराम में हो सकता है कोरोना का विस्फोट। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। सासाराम के जो वासी हैं, जो प्रशासन है, कोरोना का इनका बिल्कुल डर नहीं है। दो गज की दूरी इनके लिए जिंदगी के लिए नहीं है जरूरी। इसी पर हम बात करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ अभी लाइव बने हैं जयंत सिंह हैं। थोड़ा इनके बारे में बता दूं, जयंत सिंह एसपी जैन कॉलेज में एक टीचर हैं बीएड के। मैं उनसे ही जानने की कोशिश करूंगा। पहले तो जयंत सिंह जी, आप एसटीजी न्यूज चैनल पर आए, इसका आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। आपको सर आपसे क्वेश्चन लेना चाहूंगा। ये बड़ी भयावह स्थिति आ रही है सासाराम से कि सासाराम के लोगों में कोरोना का अब डर नहीं है। जैसा कि फर्स्ट टाइम लॉकडाउन लगा था मार्च में, उस समय लोग प्रशासन भी और लोगों के बीच एक डर था, लेकिन आज समस्या निकल के सामने आ रही है कि प्रशासन भी लाचार है और जनता भी इसका फॉलो नहीं कर रही है, सिर्फ एक कागज और मीडिया में चल रहा है। आप इसको कैसे देख रहे हैं सर? हम लोग थोड़ा सा, कॉलेज तो अभी बंद है, लेकिन मोहल्ले में हम लोग देख रहे हैं कि मोहल्ले में भी लोग निकल तो रहे हैं, लेकिन कोई कहीं भी सासाराम के किसी कोने में पोस्ट ऑफिस को अगर छोड़ दिया जाए तो किसी कोने में कोई कहीं भी कुछ पालन नहीं हो रहा है। वो प्रशासन हो, आम जनता हो, दुकानदार हो, कोई भी व्यक्ति किसी भी क्षेत्र का रहा हो, कहीं यहाँ कुछ नहीं है। जयंत जी आपसे समझना चाहूंगा, क्या जहां पर आप हैं आपके आसपास के जो दुकानें खुल रही हैं? जी जी, जो आपके आसपास के दुकानें हैं, जैसे लोकल दुकानें होती हैं, किराने के दुकान तो खुली है, इसके अलावा भी कोई दुकानें खुल रही हैं? करीब करीब सर चुप्पा चोरी सारे लोग खोल रहे हैं। बड़ी दुकानें केवल नहीं खुल रही है, छोटी दुकानें, समोसा अगर चाहिए आपको होम डिलीवरी लोग कर रहे हैं, मिठाई होम डिलीवरी हो रहा है। कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत बच रहे हैं, सबको सब कुछ मिल जा रहा है। पान खाना है, रोड पे चले जाइए, पान की दुकानों से पान मिल जाएगा, भूजा मिल जाएगा, तो कोरोना का बचाव करा हो रहा है, सब कुछ तो खुल रहा है। जयंत जी, आप बहुत बुजुर्ग हैं, आप टीचर भी हैं, लोगों को ज्ञान भी आप देते होंगे, ऐसे में क्या लगता है ये कितना खतरनाक है? जिसका भी कोई वैक्सीन नहीं है, किसका कोई दवा नहीं है, आप क्या कहना चाहेंगे? इसमें हमारी तो गलती है सर, आम जनता की गलती है, प्रशासन आपका कुछ सहयोग करने नहीं जा रहा है, ये क्लियर की बात है। आप अपने घर से निकलिए, बिना मास्क का निकलिए, वहीं घूमिए, कोई पूछने वाला नहीं है। पान की दुकान के लोग 10 लोग खड़े हो जा रहे हैं, आपस में बात कर रहे हैं, कहीं कुछ नहीं है सर। पोस्ट ऑफिस में 2-4 पुलिस वाले मिल जाएंगे, क्योंकि ये हो सकता है कि 100-200 फाइन लगा दें, काम खत्म, और कुछ नहीं। यानी खानापूर्ति चल रहा है सर। बस सर, आपको समझना चाहूंगा कि जिस सासाराम में है वहां पर हमारे पास रिपोर्ट आ रही है, ये सूत्रों के हवाले से खबर है कि 100 में से 40 लोग ऐसे हैं जो या तो टाइफाइड या फीवर से ग्रस्त हैं। उनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि कोरोना है या फिर है, ये डर उनके अंदर पड़ा है, उनके अंदर डर है, फिर भी लोग क्यों नहीं समझ रहे हैं कि सासाराम की स्थिति भयावह होने वाली है? पहले लॉकडाउन के पूरा असर था सर, लेकिन फर्स्ट लॉकडाउन के बाद इस पूरे शहर में कोई भी कोरोना का दहशत लोगों के बीच में नहीं है, और ना प्रशासन आपका सहयोग कर रहा है, ना मेडिकल वाले सहयोग कर रहे हैं, या आम जनता, सारे के सारे इस तरह से जी रहे हैं, कोई कोई डर नहीं है। अच्छा, आपसे समझना चाहूंगा कि सासाराम में जो चेकिंग प्वाइंट है, किसकी जगह पर चेक किया जा रहा है? आपसे समझना चाहूंगा कि सासाराम में किस किस पॉइंट यानी किस किस जगह पर चेकिंग हो रही है? पोस्ट ऑफिस, कई जगह ऐसे चेकिंग पहले फर्स्ट लॉकडाउन में हो रही, इस बार कहाँ हो रही है? सर मैं जहाँ रहता हूँ वहां से अगर निकलता हूँ तो सबसे पहले बोलिए का मोड़ पड़ता है, वहां पे एक चेकिंग नहीं होती है, तो पुलिस वाला आपको नहीं मिलेगा। आप आराम से बिना मास्क का बोलिए धर्मशाला पहुंचिए, वहां अभी कोई आपको नहीं मिलेगा। तो फंडी पे जाइए, कोई नहीं मिलेगा। पोस्ट ऑफिस में आपके 2-4 सिपाही मिल जाएंगे, रोकेंगे, हो सकता है कि रोके, न भी रोके, देखेंगे, छोड़ देंगे, और उसके बाद शहर में कहीं भी कोई नहीं है, आप बेरोक कहीं भी बिना मास्क का घूमते नहीं। सर एक आंकड़ा आ रही है कि बिहार में जिस तरह से लॉकडाउन लगाया गया है, देखिए दिल्ली में हम लोग हैं, दिल्ली के कंडीशंस नॉर्मल हो रही है,
अब बिहार में बता ऐसा अंदेशा लगाया जा रहा है कि जहां पर मेडिकल सिस्टम का भी कंडीशन ठीक नहीं है वहां पर संभालना बड़ी मुश्किल है। बिहार इस समय दो मार से झेल रहा है, एक तो आप देख रहे हैं कि उत्तरी बिहार में बाढ़ भी आया हुआ है और इस तरह से कोरोना भी है। बिहार पूरी तरह से बैठ गया है यानी लॉकडाउन हो गया है एक बार से और कोरोना से। ऐसे में क्या लोगों को नहीं सोचना चाहिए कि सरकार इस समय बेबस है तो हमारी जो सेफ्टी है जो कोरोना के लिए सब कुछ पता है कि सैनिटाइजर सोशल डिस्टेंसिंग मास्क यूज करना है, या क्या इसमें नहीं लगता कि हम कहीं ना कहीं जिम्मेदार हैं इसका लेकर? निश्चित तौर पे हर व्यक्ति अगर अपने परिवार के बारे में सोच ले कि हमारे अपने परिवार को भी बचाना है तो सब कुछ ठीक हो जाए। मैं हूँ और मैं सोचता हूँ कि मेरे पूरे परिवार बचा रहे तो सबसे पहले मैं अपने बच्चों को बताऊंगा, अपने घर वालों को बताऊंगा और उस माहौल में रखना चाहूंगा जिससे हम लोग बच सके। वैसे ही पूरे परिवार के जो गार्जियन है वो अपने अपने घर पे थोड़ा सा ध्यान दे देंगे और सब कुछ सामान्य हो जाएगा सर। अच्छा ज्ञानेंद्र जी, आपसे समझना चाहूंगा कि किस एज ग्रुप के हैं, मान लीजिए कि 50 साल वाले हैं या फिर सभी लोगों को मान लें कि कोई फॉलो नहीं कर रहा है, कुछ आंकड़े में बताएं कि किस एज ग्रुप के लोग हैं कि जो इन नियम को तोड़ रहे हैं? सारे लोग। अब सर क्या मतलब इनसे पूछने पर आप लोग बातें करते हैं कि ऐसा क्यों कर रहे हो तो क्या स्टेटमेंट उनकी होती है? अगर मान के चला गया 75% लोग बुजुर्ग जो है 60 से ऊपर वाले जो है 75% लोग मान रहे हैं, 25% उनमें भी नहीं मान रहे, लेकिन 50 के आसपास और जितने नए लड़के ये तो कभी नए लड़के तो घर कहीं कुछ नहीं मान रहे हैं, वो तो प्लान घूम रहे हैं बाइक पे, तीन तीन लोग बैठ गए और यहाँ दिखने वाला भी कोई नहीं है और एक बाइक पे तीन तीन लोग बैठ गए पूरे शहर भ्रमण कर रहे हैं, कोई उत्तर भी नहीं है, गार्जियन भी ध्यान नहीं दे रहा है। अच्छा इसमें किसको दोष मानते हैं आप, किसकी गलती है? अपनी गलती है, हम अगर पालते हैं परिवार के गार्जियन है तो सबसे पहले तो मेरी गलती है कि भाई अपने परिवार को नहीं संभाल सकते, सरकार को हम कैसे दोषी बनाते हैं? सही बात है, यानी पहली गलती अपने आप को ही मान रहे हैं कि हम ही गलत कर रहे हैं, इसके बाद प्रशासन के ऊपर आप उंगली उठा रहे हैं कि प्रशासन तो जैसे कि कई लोग बोल रहे थे कि इस माइक लेकर अनाउंस करना चाहिए था आसपास के एरिया में कि आप लोग इसकी सावधानी प्रिकॉशंस ले, जैसे कि फर्स्ट लॉकडाउन में हुआ था तो कुछ ना कुछ लोगों के अंदर डर होता। मेन रोड पर तो पुलिस बैठी खड़ी है लेकिन जो मोहल्ले हैं एरिया है वहां पर इसका कोई असर नहीं दिख रहा है। बिल्कुल आपने सही बताया, क्या सुझाव देंगे आप, कुछ शब्दों में बताइए कि क्या क्या यहाँ करना चाहिए, थोड़ा बताइए आप। मैं सबसे पहले घर के जो प्रमुख गार्जियन है उनको कहूंगा कि अपने अपने परिवार को देखें, सैनिटाइजर का उपयोग करें, बाहर अगर जरूरी हो तो निकले और निकले तो मास्क जरूरी है, घर आए तो साबुन से कम 30-40 सेकंड हाथ धोए और परिवार के किसी एक ही सदस्य पे बाहर भेजिए अगर बहुत जरूरी हो तो, अन्यथा रोड पे बिना कारण का लगे। सही बात है सर। और ज्ञानेंद्र सिंह आप आए, आपने अपने टाइम दिया एसटीजी न्यूज चैनल पर, आप लोगों को इतना जागरूक किए इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपको धन्यवाद, थैंक यू सो मच सर।